हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं एक और न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए, जानेंगे व्हाट इज़ गोइंग ऑन बिटवीन यू एंड योर लव इंटरेस्ट, योर रोमांटिक इंटरेस्ट। ठीक है, फिर चाहे वो आपके वाइफ है, हस्बैंड है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स है या कोई क्रश है। ठीक है, जिसके लिए भी आपको जानना है, ठीक है, कि क्या हो रहा है आप दोनों के बीच में और इसके पीछे रीज़न भी जानेंगे। तो गाइज़, ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी या नहीं होगी बहुत आसान है पता लगाना, क्योंकि पहले तो हो क्या रहा है, ठीक है, करंट सिचुएशन है क्या, पहले तो हम यही पता लगा रहे हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये रीडिंग्स, ये कार्ड्स आपके लिए हैं या नहीं है। और बाकी तो टाइमलेस प्रेडिक्शन है, जब भी आप यहाँ तक पहुँचे आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है तो आपके लिए ही है ये रीडिंग। ठीक है, आप आराम से देखिए, आपको हेल्प मिल सकता है यहाँ से। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या आने वाला है आप लोगों के लिए, क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में। ये बहुत सारे कार्ड्स आ गए, रुकिए थोड़ा सा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस एंड द वर्ल्ड। ये कुछ साइन है यहाँ पर, और यहाँ से चैरियट का कार्ड है। आप लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो सकते हो, आप में से काफ़ी सारे लोग, या फिर डिफरेंट कास्ट इशू भी यहाँ हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ें दिख रही है गाइस। इस टाइम आपके कनेक्शन में मैं भर भर कर ईगो देख रही हूँ, आप दोनों का ईगो हर्ट है एक दूसरे से। हो सकता है आपके पार्टनर आपसे नाराज़ हैं किसी बात को लेकर, दैट इज़ वाई वो इतना ज़्यादा रूड बिहेवियर हो गया है या ईगो अपना दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, और ये जो सिचुएशन है राइट नाउ, ये इतनी प्रॉब्लमेटिक है नहीं। आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, पहली बात तो मैं बता दूं। और इस टाइम ना आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हो। व्हाई? बिकॉज ऑफ, क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे के ईगो को हर्ट कर दिया है। आपको लगता है कि आपके पर्सन आपको नहीं समझ पाते, आपके पर्सन को लग रहा है कि आप उनको समझ नहीं पाते हैं। हालांकि ये जो सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है, ये एक कार्मिक सिचुएशन है। हो सकता है कि ये आप दोनों एक दूसरे के कभी ना कभी जाने अनजाने में एक दूसरे को हर्ट करा होगा, तो वही कुछ आपकी लाइफ में दोबारा से वो चीज़ सामने आ गई है। तो ये कार्मिक साइकिल हो सकता है जो कुछ टाइम के लिए चलेगा। ठीक है, हो सकता है 6 डेज 7 डेज, उसके बाद हो सकता है कि आपका फिर से कांटेक्ट हो जाए, क्योंकि आउटकम जो आया है हमारे पास वर्ल्ड का कार्ड है, यानी कि सिचुएशन तो ये ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि सिचुएशन ठीक नहीं होगी, सिचुएशन डेफिनेटली ठीक होगी, लेकिन आप इस टाइम जैसे सेपरेशन में आए हो, या फिर आप एक दूसरे को काफ़ी रूड बिहेवियर हो गया है, तो ये कुछ कर्मा ही फेस कर रहे हो, ये कुछ कार्मिक सिचुएशन है। इसका आना एक रीज़न है, और ये आपके बॉन्ड को काफ़ी स्ट्रांग बना भी सकता है, क्योंकि एक दूसरे के लिए, चाहे आप सेपरेशन में हो, चाहे आप बात नहीं करते हो, बट फिर भी आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स हैं। ये चीज़ें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स हैं। और आप दोनों इस टाइम भले ही एक दूसरे से बात नहीं करते हो, बट बहुत ज़्यादा मिस करते हो एक दूसरे को। हालांकि आपको ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ये कनेक्शन हाथ से निकल ना जाए, क्योंकि एक दूसरे से बात ना करना, ईगो दिखाना, ये आपके कनेक्शन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ये चाहते हैं कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको बहुत अच्छे से ट्रीट करें, लेकिन फिर भी देखो दोनों को ही डर लग रहा है, क्योंकि हम दोनों के बारे में मैं यहाँ पर बात पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोनों को डर लग रहा है कि कहीं ये कनेक्शन हाथ से निकल ना जाए। हालांकि आप एक दूसरे से भाग रहे हो इस टाइम, आप लोग चाहते नहीं हो कि आप एफर्ट्स लगाकर इस कनेक्शन को ठीक कर पाओ। वाई? बिकॉज डिवाइन आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे, इस कनेक्शन में कुछ एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हो ताकि ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म हो जाए। अभी आपके हाथ से बात थोड़ा सा निकली हुई है, बट ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा रहेगा, बिकॉज वर्ल्ड कार्ड बता रहा है कि ये साइकिल फिर से शुरू होगा आप दोनों के बीच में, फिर से आप दोनों बात कर पाओगे।
तो ये कुछ करंट सिचुएशन है, आप दोनों के बीच में चल कुछ ऐसा ही रहा है, ईगो हर्ट हो गया है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, एक दूसरे को डर लग रहा है कहीं कुछ एक दूसरे को खो ना दो, ऊपर से याद बहुत आ रही है और खोने का तो डर बिल्कुल है, और एफर्ट्स नहीं लगा पा रहे हो, एक्शन नहीं ले पा रहे हो, ये चीज़ भी आई है यहाँ पर। एम्परर बहुत ज़्यादा ये पर्सन इस टाइम, इसका जो बिहेवियर है वो काफ़ी रूड है। एंड टू ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वांड्स एंड एस ऑफ कप्स। देखिए गाइस, ये कार्मिक सिचुएशन अभी जो आप देख रहे हो, ओ वाह, वी हैव सिक्स ऑफ वांड्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। और देखो यहाँ से भी अच्छा ही कार्ड था, ये आउटपुट तो दोनों की तरफ से अच्छा है, दोनों ही मतलब यहाँ से चैरियट का कार्ड है, यहाँ से सिक्स ऑफ वांड्स का कार्ड है, दोनों ही विक्ट्री बता रहे हैं, दोनों ही रिकन्सिलिएशन बता रहे हैं, दोनों ही बता रहे हैं कि आप एक दूसरे की लाइफ में आना चाहते हो, ठीक है। लेकिन पर एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि अभी आप दोनों को नहीं पता क्या करें, क्या बोलें और कैसे रिएक्ट करें सामने वाले के सामने। हालांकि आप दोनों एक दूसरे से अनकंडीशनल लव करते हो, और ये जो सिचुएशन है ये आपके प्यार को, आपके बॉन्ड को और ज़्यादा गहरा बना रहा है, ठीक है। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए स्टैंड फ्यूचर में लेने वाले हो, विद इन 7 or 8 days के अंदर अंदर, आप मतलब विद इन 7 to 8 days यू विल टेक एक्शन, ऐसा दिख रहा है। बट अभी आपको क्लियरिटी नहीं है, ना आपको ना आपके पार्टनर को, स्ट्रगल में हो और आपके पर्सन अभी अपनी मनमानी भी कर रहे हैं, वो अभी आपके बारे में सोचते तो हैं लेकिन वो नहीं चाहते कि अभी, देखो वो बहुत ज़्यादा अभी ईगो पे बात आ गई है कुछ इस तरह से, मैं मुझे वाइब मिल रही है आपके पार्टनर की तरफ से, इसलिए ये खुद से इनिशिएटिव नहीं लेंगे। ऐसे में आपको क्या करना है, जस्टिस का कार्ड है तो आपको प्रेयर करनी चाहिए, वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पर, आपको इस कनेक्शन के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि अगर ये कनेक्शन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर प्रेयर करनी चाहिए कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए और जल्दी से जल्दी आपको अच्छा आउटकम मिले इस कनेक्शन में, इस चीज़ के लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए। और देख लेते हैं कार्ड्स क्या हैं आपके लिए, जल्दी से कार्ड्स को देखकर बताती हूँ मैं आपको। और अच्छा, कुछ इस पर्सन के लाइफ में थोड़ा फाइनेंशियली भी थोड़ा सा स्ट्रगल अभी चल ही रहा है, इस वजह से भी हो सकता है कि ये पर्सन आपकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, और आप दोनों के बीच में जो भी पास्ट में बातें हुई हैं वो इस पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं आई है। तो एक तो आपकी तरफ से इसको स्ट्रेस मिला, और दूसरा इसके वर्क एरिया में भी इसको काफ़ी स्ट्रेस मिल रहा है, तो इस वजह से भी ये थोड़ा सा रनर वाली एनर्जी में आ गए हैं। लेकिन फिर भी आपके साथ सारी यादें, सारे मोमेंट्स इन्होंने कैद किए हुए हैं, ये भूले कुछ भी नहीं है। और ये भी देखो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं इस कनेक्शन को आपको, क्योंकि अनकंडीशनल लव तो करते ही हो ना आप एक दूसरे से, ये अनकंडीशनल लव है गाइस। और देखते हैं, या हैप्पी फैमिली, फोर ऑफ वांड्स कार्ड, हैप्पी फैमिली। आप दोनों एक दूसरे से नाराज भी हो लेकिन आप दोनों एक दूसरे के साथ फैमिली भी बनाने का सोच रहे हो, शादी करने का सोच रहे हो, और दोनों ही इस टाइम थोड़ा एंजाइटी और डिप्रेशन जैसा फील कर रहे हो। यस गाइस, आप चाहते हो कि वेल्थ आए, हेल्थ आए, हैप्पीनेस आए, ठीक है, विक्ट्री मिले इस कनेक्शन में, चाहते तो यही हो, बट अभी सिचुएशन आपके सामने कुछ डिफरेंट सी है, लेकिन अंदर की जो बातें हैं वो अलग है, ऐसा कुछ हो रहा है। अंदर बहुत प्यार है, फीलिंग्स हैं, लेकिन सामने कैसा दिखा रहे हैं कि ये बहुत रूड है, और आपको भी कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि मैंने इतने एफर्ट्स लगा दिए, अब मैं ही बार 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 क्यों इनिशिएटिव लूँ, आप इस तरीके से सोच रहे हो। तो गाइस देखो, ये सिचुएशन आई है, ये आपके प्यार को और ज़्यादा गहरा बना के जाएगी, ठीक है। तो ऐसे में आपको ना नेगेटिव ना सोच कर, जितना ज़्यादा आप प्रेयर करो, जितना ज़्यादा आप अच्छा सोचो तो बेटर है, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन है ये कार्मिक सिचुएशन है, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। हो सकता है कि ये एक टेम्प्रेरी सिचुएशन हो जो आपको सिर्फ एक तरीके से जज करने के लिए आई है कि होना क्या है आगे, अदरवाइज़ तो आप दोनों के बीच में मुझे प्यार दिख रहा है और फ्यूचर प्लानिंग भी है आप दोनों की एक दूसरे के लिए, ये चीज़ें दिख रही हैं। गेटिंग टू नो ईच अदर, ये सिचुएशन आपको अलाउ करेगी कि आप एक दूसरे को और गहराई से जानें, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए वन एंड ओनली हैं,
रोमांटिक पार्टनर हैं जो आप ढूंढ रहे हो ना, आप वही हैं, और सोलमेट्स भी हो सकते हो, कॉलिंग इन योर सोलमेट। अगर आप प्रेयर करो, एफर्मेशंस बोलो, विजुलाइजेशन करो, तो ये आप दोनों को एक साथ लाने में मदद कर सकती है। और ये सिचुएशन तो गाइज मुझे लग रहा है ऑब्वियसली वेडिंग तक जाएगी। ये कार्ड वेडिंग का ही होता है, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स ना, विक्ट्री, वेडिंग, हार्मनी। यस, तो ये चीज़ें हैं आपके लिए। भले ही आप बाहर से दिखा लो कि हम बहुत नाराज हैं, बट अंदर तो बहुत प्यार छुपा हुआ है ना। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज एंड प्लेफुलनेस लेकर आएगी। आप जितना दूर जा रहे हो, कहते हैं ना, जितना दूर जाओगे फिर उतना ही और पास आ जाओगे, कुछ वो वाली सिचुएशन है ये। ये कोई ऐसी कोई परमानेंट सिचुएशन नहीं है कि आप हमेशा एक दूसरे के साथ रूड बिहेवियर रखोगे या परेशान करोगे एक दूसरे को, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ जस्ट अ टेम्प्रेरी सिचुएशन, और ये बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जानी है। फिर आप बोलोगे कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, बातें करने के लिए इतने सारे टॉपिक आपके पास होंगे। सो डोंट वरी, मैनिफेस्ट करो, बिकॉज योर प्रेयर, एफर्मेशन, विजुलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। लोनलीनेस, बहुत ज़्यादा अकेलापन सता रहा है अभी दोनों को ही, बट आपको अंदर से पता है कि आप कभी भी अकेले नहीं हो। आपके पार्टनर हमेशा आपके बारे में सोचते हैं, आपको याद करते हैं। एंड भी थोड़ी जेलेसी वाली फीलिंग भी है कि बात नहीं हो रही है तो आप एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो, थोड़ी सी जेलेसी भी है, लेकिन कोई बात नहीं, अब है तो है, अब क्या कर सकते हैं इसमें। आप सिर्फ प्रेयर करो, आपके लिए सिर्फ एक प्रेयर ही ऑप्शन है जो आप कर सकते हो उस कनेक्शन में। एंड तभी ये फ्रेंडशिप, इसमें बहुत सारे ब्राइट कलर्स, बहुत ज़्यादा कलर्स आएंगे। ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है सक्सेस लाने के लिए, ठीक है। ट्रस्ट अपना बनाए रखो एक दूसरे के लिए। प्रार्थना, प्रार्थना में गाइस बहुत ताकत है। तभी तो देखो ये कार्ड आया है ना, ये कार्ड क्या बोल रहा है, योर प्रेयर्स, एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। आप दोनों को एक साथ लेकर आ सकती है आपकी प्रेयर, आपके एफर्मेशंस, क्योंकि अभी आप एक्शन नहीं ले पा रहे, आप एक तरीके से स्टक हो चुके हो, और डिवाइन आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं कि आप अभी एक्शन लो। तो टाइम विल टेल यू कि कब आपको एक्शन लेना है और कब आपको आगे मतलब इनिशिएटिव लेना होगा। टाइम विल टेल यू, सो डोंट वरी, जितना हो सके पॉजिटिव रहकर आप मैनिफेस्ट कीजिए। लेट्स सी मोर, आपके लिए कोई गाइडेंस, अबंडेंस, या अबंडेंस, डेफिनेटली अबंडेंस आएगा, मेरे मुंह से निकला है अबंडेंस, अबंडेंस मिलेगा आपके, आपको इस कनेक्शन में। नथिंग विल चेंज ऑफ दिस सिचुएशन, अगर आप ऐसे ही नेगेटिव रहे तो कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप कॉन्फिडेंस रखते हो, ट्रस्ट बनाए रखते हो, और आप अच्छे से एफर्मेशंस वगैरह बोलते हो, तो डेफिनेटली यू विल सी सम चेंजेस इन योर कनेक्शन, और दिस सिचुएशन डेफिनेटली ना ख़त्म हो जानी है। सो डोंट वरी, जितना हो सके पॉजिटिव रहकर मैनिफेस्ट कीजिए। ओके, दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अभी के लिए बस इतना ही, बाय, टेक केयर।